रामपुर में जिलाधिकारी अंजनेय कुमार सिंह द्वारा अवैध शराब की पूर्णताबंदी अभियान के क्रम में आबकारी टीम आए दिन अपने काम को अंजाम दे रही। इसको लेकर आज आबकारी अधिकारी अवधेश राम के निर्देशन में आबकारी निरीक्षक रोहित शर्मा मैं स्टाफ द्वारा थाना शाहबाद में बड़ा गांव के पास रवाना पट्टी में दबिश दी गई। यहां पर एक घर से एक युवक द्वारा सरकारी शराब को अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा था, जिसके पास से लगभग 30 पौवे मस्ती ब्रांड बरामद हुए। क्या शुभ नाम है आपका? रोहित शर्मा, आपका निरीक्षक क्षेत्र 4 शाहबाद। क्या मामला था सर आज? आज मुखबिर से सूचना मिली कि रवाना पट्टी गाँव में जो बड़ा गाँव चौराहे के पास है, वहाँ पर एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहा है। किस तरह की अवैध शराब बेच रहा था सर? शराब तो ठीक है, बट वो इस तरीके से उसका कोई ना तो लाइसेंस है ना कुछ है, बिना लाइसेंस के शराब बेच रहा है। और जैसे ही सूचना मिली तुरंत हमने अपनी टीम के साथ और शाहबाद थाने से सब इंस्पेक्टर साहब को लेने के बाद सीधे वहाँ पर दबिश दी। दबिश के बाद तुरंत वहाँ पर खरीदारी कराई तो वो बेचते हुए पाया गया और उसको तुरंत दबोच के हम सीधे थाना लेके आकर उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में चालान करा। कितने है सर? कितनी मात्रा? लगभग 30 पौवे है। कहाँ कहाँ बेच रहा था सर? दुकान में? कहीं घर में? घर में बेच घर में बेच रहा था। वहाँ के गांव के लोगों के लिए भी सतर्क किया गया कि वो इस तरीके से शराब ना लें और केवल सरकारी दुकानों से शराब की खरीदारी करें। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए तुषार सक्सेना की रिपोर्ट, रामपुर। इटावा नेक्स्ट टॉप मॉडल्स का फिनाले 23 तारीख को वेडिंग स्क्वाड उत्तम तरीके में पूर्ण हुआ, जहां पर लड़कियों में मिस इटावा 2019 साक्षी जायसवाल और फर्स्ट रनर अप सुरभि रजावत और सेकंड रनर अप सांभवी साथ मिस क्यूटी पाई बनी, जहां पर जानवी वर्मा एवं मिस गॉर्जियस बनी नेहा गुप्ता, मिस पॉपुलर एकता पटेल एवं बेस्ट ड्रेसअप आदित्य त्रिपाठी, साथ ही लड़कों में मिस्टर इटावा प्रशांत गुप्ता बने। वहीं इस मौके पर अखिल भारतीय युवा एकता परिषद भी मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद इस्तीद के साथ मसरूर खान की रिपोर्ट, इटावा। इटावा में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य मास सम्मेलन का प्रतिभा एवं गुरुजन सम्मान समारोह रविवार को शहर के एक निजी होटल में बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया, जिसमें मुख्य अतिथि हजरतगंज के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सदर की विधायक सरता भदौरिया उपस्थित रही। कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित अतिथियों में ब्रजेश गुप्ता, चंचल, नीरज गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मसरूर खान की रिपोर्ट, इटावा। खीरी में पत्नी को पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जहां पर पत्नी दर दर भटक रही है। मामला लखीमपुर खीरी के ब्लॉक पसगवा का है, जहां पर ग्राम बूढ़ा में लॉन्गश्री की शादी हुई थी। लॉन्गश्री को उसके पति बबलू द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग आज से 2 से 3 वर्ष हो गए हैं पति द्वारा मारपीट कर निकाल दिया गया है। उसके 2 छोटी छोटी पुत्रियां हैं, वह बीमार रहती, जिनके इलाज के लिए पति द्वारा कोई खर्चा भी नहीं दिया जा रहा है। मैं बबलू दूसरी शादी करना चाहता है। पीड़िता अपने पति के घर पर रह रही है। पिता गरीब है। उसके द्वारा पसगवा थाने में FIR भी दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं दर दर पीड़िता भटक रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं पीड़िता ने 22/6/2019 को CEO मोहम्मदी श्रेष्ठा ठाकुर को FIR दी थी, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आप परेशान ना हो और आपको जल्द ही न्याय मिलेगा, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ रखे हुए बैठा हुआ और पीड़िता दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हमारा नाम लौंग श्री। पति का नाम है? क्या घटना हुई रहा है? उनको कोई खाना खर्चा दे जल्द झाके नहीं आओ है। तो का चाहत का है वो? क्या चाह रहा है? चाहते है मैं दसवीं बारात चाहती है। अच्छा, वैसे एप्लीकेशन तो दे रहा है? कहूँ कहाँ दे? खाने दो तीन दिन जा चुके, कोई सुनवाई नहीं है और तब मजबूरी में हम यहाँ आए हैं। तुम क्या चाह रहे हो? तुम क्या चाह रहे हो? हम खाना खर्चा चाह रहे हैं। बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई? बच्चन के लिए पढ़ाई लिखाई। मैं लौंग श्री का भाई हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने 2 साल हो गया है इसको, इसकी इलाज कराते कराते मेरा भानोई जो है वो बिल्कुल इसको देखने नहीं आया और मैं खर्चा भी नहीं देता है। खर्चा न कुछ, मैं बच्चों को इनको देखते हैं। दो लड़कियां हैं, दो बच्चे हैं, दो भांजी मेरी हैं और
मैं गरीब आदमी हूँ, बहुत मारता पीटता है, और मैं आज सीओ साहब को भी एप्लीकेशन दे दिया है। मुझे अनुशासन दिया है कि मैं आपकी कार्रवाई करूंगा। वन इंडिया न्यूज के लिए शिवम की रिपोर्ट, मोहम्मदी खीरी। लखनऊ के गोमती नगर में SSR एंटरटेनमेंट द्वारा मिस एंड मिसेस पूर्वांचल 2019 का आयोजन होटल द लीफ गोमती नगर में किया गया। वही ऑर्गेनाइजर कविता शुक्ला व सुप्रिया राठौर ने जिसमें लगभग 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों में SSR एंटरटेनमेंट और बेसिल लैब ने मिलकर महिलाओं के जागरूकता के लिए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वॉक का आयोजन भी किया। कार्यक्रम का संचालक सुप्रिया सिंह राठौर और कविता शुक्ला ने किया। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर कविता शुक्ला ने बताया कि यह कार्यक्रम उन महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए है जो अपने आप को सिर्फ में ही सीमित रख पा रही हैं। उनको मोटिवेट करने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है जिससे वह अपने अंदर छिपी प्रतिभा को भी जान सकें। वहीं यहां देखने को भी मिला कि कुछ महिलाओं ने अच्छे से अच्छा बेहतर करके दिखाया है। प्रतिभागी मॉडल राखी सिंह एवं अल्पना पांडे, सुप्रिया सिंह राठौर ने बताया कि SSR द्वारा आयोजित मिस एंड मिसेस पूर्वांचल 2019 के इस आयोजन में अल्पना पांडे, तासु मेहरोत्रा ने रैंप वॉक कर समा बांध दिया, तो वहीं मधु और सुभाष, मीतू रस्तोगी, श्रीलता, राखी सिंह आदि महिलाएं इस मौके पर मौजूद रहे। तो मिसेज प्लेटिनम पूर्वांचल के विजेता आभा बाजपेयी, अन्या सिंह मिस पूर्वांचल के विजेता लकी राय रहे, मिसेज पूर्वांचल क्वीन की विजेता पुष्पा मिश्रा रहे। वन इंडिया न्यूज के लिए भास्कर सारस्वत की रिपोर्ट, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में नदियों को पुनर्जीवित करने के अभियान के तहत वर्षों से विलुप्त हो चुकी पवित्र महावा नदी को पुनर्जीवित करने का अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी संभल व पुलिस अधीक्षक महोदय संभल द्वारा वृक्षारोपण तथा पवित्र नदी की पूजा कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समाज को जल के अनावश्यक उपयोग को रोकने व जल को संरक्षित करने हेतु जागरूक भी किया गया। हमारा मीठे पानी का स्रोत खत्म होता जा रहा है। हालांकि सभी जानते हैं कि चेन्नई बंगाल की खाड़ी के किनारे पर मुहाने पर बसा हुआ महानगर है, लेकिन वह सागर का पानी किसी काम नहीं आ रहा है। यह मीठा पानी हम पीते हैं, यही से हमारा जीवन चलता है। हवा और पानी जीवन के दो सर्वाधिक। आज ये जो यहाँ खुदाई हो रही है, किसकी खुदाई हो रही है, क्यों हो रही है? भैया नदी की खुदाई हो रही है और नदी मतलब निकलने के लिए जा रही है। धरे से नदी जो पीछे से पानी जो पहले से बंद हो रहा है, बहुत दिनों से बंद हो गया था, वो पानी मतलब अब मतलब निकलने के लिए तैयारी है, मतलब चल रही है यहाँ पे। अच्छा, JCB वगैरह चल रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और ये हमारे रईपुरा के बराबर, रईपुरा में वाटर लेवल भी बहुत नीचे जा चुका था। अच्छा। जहाँ तक कि समर सेवल में भी पानी नहीं दे रही थी। अच्छा। और नलों में तो पानी बहुत ही कम आ रहे थे। अच्छा। अब तो बहुत अच्छा मतलब काम चल रहा है यहाँ पे, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। कम थी, अरे कम कम 32-33 साल हो गए सर, वाटर लेवल कम हो गया, बहुत परेशानी है। अभी चालू होने से आपको कितने? अरे बड़े लाभ मिलेंगे, जीव जंतु और सबको मतलब ढोर डंगर सब नहाएंगे और सब वाटर लेवल बढ़ जाएगी, तो सबको फायदा ही फायदा है। खेती बाड़ी बहुत बेकार, लाभ ही लाभ है इससे। हवन पूजन करके यह कार्य किया गया, क्या है पूरा मामला? देखिए, इस दुनौर तहसील में जनपद संभल के महावा नदी एक प्राचीन काल में दशकों पहले यहाँ पर बहा करती थी, जो यहाँ के ग्रामवासियों के लिए, किसानों के लिए बड़ी जीवनदायी हुआ करती थी। वो नदी दशकों पहले से विलुप्त हो गई, केवल कागजों में सिमट गई थी। उस नदी का अस्तित्व समाप्त हो गया था, उस पर लोगों ने अतिक्रमण करके खेती वगैरह का कार्य प्रारंभ कर दिया था। तो वर्तमान समय में जो भूगर्भ जल स्तर है वह इतना नीचे चला गया है और जल संचयन पर जो शासन का जोर है उसको दृष्टिगत रखते हुए इस प्राचीन महावा नदी को पुनर्जीवित करने का अभियान का शुभारंभ ये इस गाँव सिंडोरा से शुरू किया गया है, जहां पर कि पूरा विधि विधान पूर्वक यहां के माननीय विधायक जी श्री अजीत कुमार राजू जी की उपस्थिति में और सभी अधिकारियों ने मिल करके श्रमदान करके जन सहयोग से और मनरेगा के माध्यम से ये महावा नदी को पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम शुरू किया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट, संभल।
उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में झूठी सूचनाओं से डायल 100 पुलिस काफी दिनों से परेशान चल रही थी कि रोजाना आपराधिक घटनाएं होने जैसी सूचनाएं मिल रही थी, लेकिन यह सब सूचनाएं झूठी निकलती थी। उन्हीं सब झूठी सूचना देने वाले गिरोहों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा था। उसी के चलते 8 को चिन्हित किया गया था, जिसमें 2 अपराधियों को दबोच लिया गया। पुलिस का कहना है कि डायल 100 पुलिस को काफी दिनों से लूट, डकैती, मारपीट जैसी झूठी सूचनाएं दे रहे थे। जब पुलिस मौके पर जाती थी तो वहां पर कुछ भी नहीं मिलता था और जिनका जिस नंबर से फोन आता था वह नंबर बंद मिलता था। पुलिस ने उन नंबरों की जांच की तो यह सूचनाएं झूठी देने वाले 8 लोगों को चिन्हित किया, जिसमें 2 को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेजा गया। सर, आज ये वोट की खड़ी सूचना देना होगा, क्या मामला है पूरा? सर देखिए, आज सुबह थाना हयानगर क्षेत्र में मऊ मूल की रहने वाली ये रईस, इनके द्वारा 100 डायल पर एक सूचना दी गई कि इनके डकैती पड़ गई है। इस पर एक इवेंट जनरेट हुई डकैती की और जिस पर PRB और थाना पुलिस गई तो ये पता चला कि इसके द्वारा जो है झूठी सूचना दी गई है और पुलिस को परेशान किया गया है। इस क्रम में हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि 1 जून से लेकर 20 जून तक हमने ऐसे सभी 100 डायल पर ऐसी सूचनाओं का सर्वे कराया है, निकलवाया है, जिन्होंने मतलब गलत सूचनाएं पुलिस को दी। ऐसी 26 सूचनाएं दी गई हैं और इनमें 8 लोगों को ट्रेस किया गया है और 8 लोगों ने फेक ID क्रिएट करके पुलिस को परेशान करने के उद्देश्य से ये गलत सूचना दी है। इसमें पुलिस द्वारा एक सख्त कार्रवाई की जा रही है, इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है ताकि ये मतलब 100 डायल जैसी सुविधा का दुरुपयोग न कर सकें। इसी क्रम में चंदौसी के जो रहने वाले हैं रोहतासपुर क्षेत्राम, जिनके द्वारा गलत सूचना दी गई थी और पुलिस को बुलाया गया था, गलत सूचना देकर उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनको भी जेल भेजा गया। ऐसे ये 26 कॉल का पूरा विवरण हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा चूँकि जैसा आप जानते हैं कि 100 डायल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वो है, जैसे भी कोई सूचना करता है कोशिश ये की जाती है कि सिटी में कम से कम 7-8 मिनट के अंदर जो है PRB पहुँच जाए और देहात में भी मिनिमम टाइम में हमारे यहाँ इसका जनपद में रेस्पॉन्स है। ऐसे 7 माध्यम हैं जिनके 100 डायल करने के अलावा जिसके माध्यम से पुलिस को कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जिसमें सिटीजन ऐप है, वेबसाइट है इसकी, व्हाट्सएप है, SMS है, ईमेल है, ट्विटर है, फेसबुक है, इन सब के माध्यम से भी UP 100 से कोई लोग डायल कर सकते हैं। वर्तमान में जो कार्रवाई इनके विरुद्ध जो झूठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो सूट दी, उसका मकसद यही है कि इस सुविधा का लोग उपयोग करें, न कि दुरुपयोग। अभी तक कितने सामने आए लोग? ये देखिए, ऐसी 26 कॉलें सामने आई जिसमें 9 लोगों द्वारा फेक ID क्रिएट करके इसका दुरुपयोग किया गया है सुविधा का। ऐसे 9 लोग चिन्हित कर लिए गए हैं, जिनमें से 1 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और आज एक हयानगर वाला जो झूठी सूचना वाला था इसको भी गिरफ्तार किया गया। इस तरीके UN इंडिया न्यूज के लिए सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट, संभल। हरदोई के सुरसा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत म्योनी के मजरा निभरा में योगी सरकार में गौशाला तो बनवा दिया गया, लेकिन गायों के चारे पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों से गौशाला तो जैसे तैसे बनकर तैयार हो गया, लेकिन गौवंशों के खाने पीने का इंतजाम नहीं किया गया, जिससे रविवार को एक गाय की मौत हो गई। वही एक गाय मृत अवस्था में पड़ी है, जिसका अभी तक कोई उपचार नहीं किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि 2 दिन से पड़ी मृत गाय से बदबू आ रही है, जिससे गाँव वाले तथा रास्ते से निकलने वाले राहगीरों को काफी समस्याएं होती है। मृत पड़ी गाय का अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। देखा जाए तो जिम्मेदार कुछ काम करने को तैयार नहीं है। तो वहीं सोचने वाली बात यह है कि जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते बिना चारे पानी के गौवंश मरने की स्थिति से गुजर रहे हैं। TV1 इंडिया न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला की रिपोर्ट, हरदोई। पीलीभीत के कलीनगर तहसील में विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे धरने में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रामड़ पहुंचे। SDM द्वारा 15 दिनों में कुछ मांगे पूरी करने की बात पर भूख हड़ताल पर बैठी महिलाओं ने धरना समाप्त किया। तहसीलदार साहब ने जब सबको जूस पिलाकर धरना समाप्त करवा दिया। भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी की ओर से पिछले 15 दिनों से यह धरना चल रहा था। धरने में राष्ट्रीय नियम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट, पीलीभीत। मथुरा पुलिस ने नशीले पदार्थ पर शिकंजा कसे हुए है, जहां पर लगातार नशीले पदार्थ की तस्करी करने वालों पर अभियान छेड़े हुए। उसी अभियान के तहत छता कोतवाली इलाके के सिरगढ़ तिराहे पर छता पुलिस ने चेकिंग अभियान चला रखा था, तभी हरियाणा की तरफ से आ रही एक कार को चेक किया गया। उसमें से बैठे 2 तस्कर भागने लगे। पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए 2 लोगों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने कार की सघन चेकिंग की तो पता चला कि कार से 50 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ, जिस पर गांजे की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए तस्कर में राजू बंसल निवासी मगौरा और लक्ष्मण बघेल निवासी ग्राम अड़ूकी की गांजे की तस्करी करने के चलते गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इनसे लगभग 50 किलोग्राम गांजा
बरामद किया गया है, टोटली अवैध गांजा है। साथ ही साथ जिस गांजे की तस्करी में जो गाड़ी यूज़ कर रहे थे वो गाड़ी गाड़ी बरामद हुई है। पुलिस मुठभेड़ में लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनके पास से तमंचा और लगभग 56,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। दोनों लोग जनपद मथुरा के रहने वाले हैं और इसके अंदर एक जानकारी ये आई है कि इनमें से एक व्यक्ति पहले भी NDPS की ही इस तरह की तस्करी में जेल जा चुका है। इन लोगों ने पूछताछ के अंदर ये बताया कि ये लोग इस तरह का जो गांजा है वो हरियाणा पनवल से लेके आते थे। जो पूछताछ में निकला इसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और हो सकता है वहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा हो वो और भी आगे इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट से हो रहा हो। इसके अंदर एक व्यक्ति का नाम और प्रकाश में आया है पूछताछ में, जो कि मूलतः आगरा का रहने वाला है, जो कि इन लोगों के साथ इस तरीके से इन्वॉल्व था। तो ये भी पता लगा है कि कहीं ना कहीं इसके जो इन्होंने पूछताछ में बताया है कि एक उड़ीसा राज्य से भी इनका टच था और वहाँ से भी ये सप्लाई लिया करते थे। ये अभी तक की पूछताछ में ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। इन लोगों की रिमांड पे और पूछताछ जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर सप्लाई कहाँ के लिए हो रहा था ये? ये सप्लाई यहीं के लिए मथुरा के लिए हो रहा था। और जैसा मैंने बताया इनमें से एक व्यक्ति पूर्व में जनपद मथुरा से ही जेल गया था इस तरह की तस्करी के अंदर। और जो जानकारी अभी तक प्राप्त U1 इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट मथुरा।